अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यानी धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों के लिए बने इस वाक्य से हर कोई इत्तेफाक रखता है और अब कश्मीर की हसीन वादियों में बसने का सपना हर इंसान का साकार हो सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए राज्य का स्थायी निवासी होने की शर्त को हटा दिया है। गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। नए नियम के अनुसार अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है और वहां घर बना सकता है। हालांकि इसको लेकर कई नियमों और शर्तों को लागू किया गया है जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। नए नियम के अनुसार जम्मू कश्मीर में अब जमीन खरीदना लद्दाख और हिमाचल जैसी जगहों से भी आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट की धारा 17 में बदलाव किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा ये फैसला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया गया है। हालांकि सरकार ने खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रखी है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है नए नियम। साल 2019 में अगस्त के महीने में अनुच्छेद 370 और 35A हटा दिया गया। इसके बाद भी जम्मू कश्मीर में कोई बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था। अब केंद्र सरकार ने इस मामले में बड़ा बदलाव किया। भूमि खरीदी से जुड़े कानूनों में जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है। अब जम्मू कश्मीर से बाहर का निवासी भी यहाँ जमीन ले सकेगा। इसमें कुछ और नियम भी हैं, जैसे खेती वाली जमीन को लेकर कानून है। खेती वाली जमीन सिर्फ खेती के लिए ही इस्तेमाल की जा सकेगी। हालांकि खेती वाली जमीन पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर हेल्थ केयर सेंटर बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने ये फैसला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है। अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर के विकास पर चर्चा हो रही थी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। सरकार का ये मानना है कि इससे यहाँ निवेश में आसानी होगी और भारत के दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी निवेशक आसानी से आ सकेंगे। भारतीय अब जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान या कोई बड़े व्यापार के लिए आसानी से जमीन की खरीद बिक्री कर सकते हैं। इसके लिए स्थानीय निवासी होने का सबूत नहीं देना होगा। तो तैयार हो जाइए आप भी अपने सपनों का आशियाना धरती के इस स्वर्ग में बनाने के लिए। गीता आमरे, नवभारत मीडिया।